हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मास्क किचन वंस अगेन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ बघारा बैंगन का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये डिश मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। बघारा बैंगन का ये रेसिपी थोड़ा डिफरेंट है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, किसी भी पार्टी में आप सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू माय मास्क किचन टू प्रिपेयर बघारा बैंगन। बघारा बैंगन बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रख करके उसे गर्म करें और उसके बाद उसमें 2 बड़ी चम्मच मूंगफली और 1 बड़ी चम्मच खसखस डालें। मूंगफली और खसखस को करीब 1-1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लें। उसके बाद इन दोनों को एक प्लेट में डाल करके रख दें। इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने दें। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, उसी कढ़ाई में अब हम 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। तेल गरम होने देंगे। छोटे साइज के बैंगन को हम इस तरह काटेंगे, ऊपर से 2 स्लिट लगाएंगे। डंठन को हम बिल्कुल नहीं काटेंगे। ये देखिए, ये 4 हिस्से में डिवाइड हो गया है। हमें बैंगन को इस तरह काटना है। तेल जब गरम हो जाए तब सारे बैंगन को एक एक करके कढ़ाई में डाल देंगे। इस रेसिपी के लिए आप 8 से 10 छोटा छोटा बैंगन ले सकते हैं। बैंगन को चारों तरफ से अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। चम्मच को चलाते हुए हम बैंगन को चारों तरफ से तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ज़रूरत पड़ने से ऊपर से 2-4 ड्रॉप्स तेल ऐड किया जा सकता है। ये देखिए, बैंगन का कलर चेंज हो गया है। अब फ्लेम बिल्कुल कम कर दे और ऊपर से नमक ऐड कर दे। करीब 1/2 छोटी चम्मच नमक छिड़क दे इस तरह। आप कढ़ाई को ढक दे और 3 से 4 मिनट्स के लिए बैंगन को इस तरह पकने दे। चार मिनट बाद बैंगनों को चम्मच से इस तरह एक बार चला दे। अब सारे बैंगन को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। एक प्लेट में करके हम इसे साइड पर रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड ऑयल और 1 बड़ी चम्मच तिल का तेल यानी कि सिसमे ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो मूंगफली और खसखस के साथ 1/2 छोटी चम्मच तिल ऐड करके उसे रोस्ट करके साथ में पीस लें। अब तेल में हम 1 सूखा लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सरसों और 8-10 करी पत्ता और 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चुटकी हींग ऐड कर देंगे। इन सारे चीज़ों को करीब 30 सेकेंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। आप कढ़ाई में एक बड़ा सा प्याज चॉप करके ऐड कर दें। प्याज को मीडियम फ्लेम पर करीब 4 मिनट्स के लिए भुने। प्याज को गोल्डन ब्राउन या ब्राउन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 4 मिनट्स के लिए भुने। 4 मिनट के बाद कढ़ाई में से प्याज का एक बहुत अच्छा खुशबू आने लगेगा, तब हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। 4 मिनट के बाद हम 1/3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/3 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी के बदले में आप 1 छोटी चम्मच गुड़ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारे मसाले को हम करीब 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। एक मिनट बाद कढ़ाई में 4 बड़ी चम्मच इमली का पानी ऐड करें। इसमें 2 बड़ी चम्मच इमली का पेस्ट और 2 बड़ी चम्मच पानी मिक्स करके इमली पानी बनाया गया है। मसाला तेल छोड़ देने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, मसाला तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मूंगफली और खसखस का पाउडर जो हम ग्राइंड करके बना करके रखे थे उसे ऐड कर देंगे। मिला देंगे अच्छे से।
अब हम कढ़ाई को ढक करके लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए मसाला को पकने देंगे। चम्मच को चलाते हुए 1 और मिनट के लिए हम मसाला को भून लेंगे। अब कढ़ाई में 3/4 कप नारियल का दूध ऐड कर दें। मैंने ये नारियल का दूध घर पे बनाए हैं, अगर आप चाहे तो बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। मसाला के साथ नारियल का दूध जेंटली मिक्स कर दें। मसाला नारियल दूध के साथ मिक्स हो जाने के बाद हम करीब 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। ये बिल्कुल उबला हुआ गर्म पानी है, इस टाइम पे हम ठंडा पानी ऐड नहीं कर सकते, वरना इसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं बनता। कढ़ाई को ढक करके इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। अब हम फ्राई की हुई बैंगन जो है उसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। कढ़ाई को फिर से ढक करके बिल्कुल लो फ्लेम पर करीब 10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। दस मिनट बाद गैस बंद कर देंगे और कढ़ाई को इस तरह ढके हुए 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट बाद हमारा खट्टा मीठा चटपटा बघारा बैंगन बन करके तैयार है। इसे सर्विंग ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। अब ये सुपर टेस्टी बघारा बैंगन के ऊपर बारीकी से काटी हुई थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क देंगे। हम इसे गरम गरम चावल या रोटी या पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में जरूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।